वाज द रीजन फॉर यू टू सेलेक्ट दिस प्रोजेक्ट? ऑफ कोर्स ऐसा कोई रीजन नहीं है, हम सब आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा था गाना. द मेन रीजन वाज सॉन्ग वाज वेरी गुड और जो आर्टिस्ट थे रणदीप वो भी बहुत अच्छे थे, तो बस यही रीजन था और बहुत अच्छा गाना था तो आई एंजॉयड आल्सो शूटिंग. तो हाउ वाज द शूटिंग एक्सपीरियंस, कहां शूट हुआ और शूटिंग के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो मेमोरेबल था बताइए, कितने दिन? बहुत सारे इंसिडेंट थे जो मेमोरेबल थे. एक्चुअली हमने जाकर गांव में शूट किया था हरियाणा में, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स मोमेंट्स जो बहुत मेमोरेबल थे बिकॉज वहां पर हमें ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी. तो बहुत मजे किए मैंने और खुशबू ने, तो बहुत एंजॉय किया है. होटल्स भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा गांव वाली लोकेशन थी, रॉ लोकेशंस थी, तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं छोटे छोटे और हर शूट की एक अपनी मेमोरी होती है तो इसकी भी थी, मज़ा आया. द मेन रीज़न वॉज एक्चुअली वहाँ पे सॉन्ग में इतने सारे ब्यूटीफुल पार्ट्स है एंड यू नो द सॉन्ग इज़ वेरी सूदिंग एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु ऑलवेज you know go for a soothing song, like mera personal favorite hai soothing, and the moment I heard this song I was like no I have to do this. And the second thing is shoot Haryana mein tha, gaon mein tha, we've always been staying in metro cities and gaon mein jana wahan shoot karna wo life experience karna was very different and I like that experience. Anjali, what do you think about Ajay sir? Ajay Sunil, he's the main person behind the project, and about Satyam Sunil, the director. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का cooperate किया आप लोगों ने और उन्होंने कैसे cooperate किया? Ajay के लिए तो Ajay is a very very good friend. And apart from all that, he's a very good human being. वहाँ पर हम लोग थे, he was the producer. लेकिन एक भी बार ऐसे feel नहीं हुआ कि कोई producer है. He was very friendly, very supportive. तो Ajay के लिए तो always he's a very good friend, very good human being. और सत्यम वॉज वेरी गुड, ही वॉज क्रिएटिव और जितने भी उनका जो आइडिया था, जो थीम था सॉन्ग का, वो बहुत अच्छा था. और वहाँ पर भी जाकर वो बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से शूट कंप्लीट किया, तो ही वॉज ऑब्वियसली वेरी गुड. अजय सर इज़ अ फैमिली, सो हमें लगा ही नहीं कि हम काम के लिए गए हैं, ऐसे ही लगा कि हम लोग फैमिली के साथ हैं और सब एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल थे, वेल कोऑर्डिनेटेड था. हाँ बट बारिश हुई बट उसके बाद भी हमारा शूट इतना अच्छा गया और हमें बहुत अच्छे शॉट्स मिले. एंड सत्यम इज़ अ वेरी क्रिएटिव DOP एंड डायरेक्टर, ही इज़ लिटरली डन अमेजिंग वर्क. इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आए शूट में बट उसको पता है कब क्या लेना है एंड देन ही इज डन एन अमेजिंग जॉब. अंजलि, 1.5 years काफ़ी डिफिकल्ट रहा हर किसी के लिए, तो आपका कैसा रहा प्रोफेशनल करियर 1.5 साल में, क्या किया आपने, किस तरह से मतलब यू नो फेस द कंडीशंस? 1.5 साल ऑब्वियसली सबके लिए बहुत मुश्किल था और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही मुश्किल था. आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ एक्टिंग, तो हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आईं, तो ऑब्वियसली सबके लिए ही मुश्किल था, मेरे लिए स्पेशली तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं रहा. सिचुएशन कैसे फेस किया, सिचुएशन तो जैसे सबने डिफ़िकल्टीज फेस करी हैं कोविड में वैसे ही फेस किया है. तो ये 1.5 साल मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज होम और एज सच कोई प्रोजेक्ट किया नहीं. इसके पहले एक प्रोजेक्ट लाइंड अप था, वो भी कोविड की वजह से रुक गया, तो ऑब्वियसली इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्लोली वी आर कोपिंग अप, बढ़ रहे हैं आगे. Initially it was very different for me, like never stayed at home, but yeah 2-3 months we were home, but then I got to know a lot about things about myself, you know, staying at home, learning about ourselves, the life. Hum hamesha bhagte rehte hain hamari life mein, par humko kabhi ghar pe ruk kar khud ke sath time spend karne ka mauka nahi milta hai, aur wo 3 mahino mein wo cheez hui. हमने छोटी छोटी चीज़ें सीखी, खुद पे वर्क किया एंड देन टचवुड जैसे ही लॉकडाउन हटा आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क. आई एम बेसिकली मॉडल, मेरा कोर इज़ मॉडलिंग, सो आई स्टार्टेड गेटिंग कैंपेन शूट्स एंड ऑल. तो उसके बाद आई वाज बीइंग बिजी विद शूट्स एंड ऑल, टचवुड. फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ, फिर अगेन थोड़ा ब्रेक हुआ, बट उसके बाद भी आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन, सो या इट्स गोइंग स्मूथ. To me, what's my acting plans? Obviously, acting plan is the same as earlier. Projects करने हैं, अच्छे projects करने हैं, कुछ अच्छे projects lined up भी हैं. Basically, right now I'm working into Punjab, so I've signed one Punjabi film. उसके बाद there are future plans, जैसे जैसे आते रहेंगे, I'll keep updating you guys.
वैसे प्रोजेक्ट्स है लाइंड अप, और एक्टिंग में भी, मॉडलिंग में भी. एक वील बी शूटिंग नेक्स्ट सॉन्ग वेरी सून विद अजय, एंड वो आई थिंक इसी महीने शूट शुरू होगा उसका. एवरीथिंग इज डन रेडी एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज हम पागल हो गए. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग आफ्टर दिस. सो या आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो. एंड हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी और लाइंड अप है जिसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ, लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग ऑन वे. थैंक यू. Well, the project was initiated by Ajay Soni ji, as you all know. और इसको compose किया है काशी कश्यप जी ने. आप लोगों ने अभी teaser देखा, आज teaser launch हुआ है, तो बहुत खूबसूरती से इसको compose किया गया है. और फिर काशी सर मतलब as a composer they decide कि उनको किससे गवाना चाहिए या who would be the most suitable for the song. So that is when he chose us, me for the female section and Rahul for the male section. But you know, the competition is huge. Aaj ke daur mein competition itna hai, music videos market mein itne zyada aate hain. So you know, as a singer, what you feel ki what या दैट इज़ एब्सोल्यूटली राइट कि कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है, विच इज़ वाई वी ट्राई टू कीप द मेलोडी इंटैक्ट इन द सॉन्ग. आप लोगों ने टीजर में भी सुना होगा कि इसको हम लोगों ने बहुत रोमांटिकली, इट्स अ लव सॉन्ग, तो मेलोडी इसमें हमने काफ़ी इंटैक्ट रखी हुई है. जो प्रोग्रामिंग हुआ है, जो अरेंजमेंट्स हैं, वो भी इसको काफ़ी हम लोगों ने मेलोडियस ही रखा हुआ है. सर आपसे आई थिंक आई एम एसोसिएटेड विद अजय जी एंड काशी जी फ्रॉम अ वेरी बिग टाइम. आई बिलोंग टू इंदौर एंड अजय, ये बात बहुत अच्छी है कि काशी जी इज ऑल्सो फ्रॉम इंदौर एंड अजय भाई इज ऑल्सो फ्रॉम इंदौर. यू आर ऑल्सो फ्रॉम इंदौर. सो यू नो इट्स प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चलते हैं, बट कुछ लोग होते हैं यू नो जो बहुत अच्छे लगते हैं आपको इस शहर में. सो ऐसे ही ये शख्स हैं अजय भाई. मैंने काशी जी के लिए, आई थिंक काशी जी को भी मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और बहुत टाइम से हम कुछ साथ में करना चाह रहे थे, बट कभी हो नहीं पा रहा था. सो मुझे ये गाना उन्होंने भेजा कि राहुल ये करना है, तब मुझे ये नहीं पता था कि अजय भाई का है. एंड देन यू नो देन इट ऑल स्टार्टेड. आई थिंक वी डब्ड इट ड्यूरिंग द लॉकडाउन. मुझे याद है मेरे घर पर आके हमने डबिंग करा था और गाना बहुत खूबसूरत था. सो मैंने इसके लिए यस बोला एंड देन फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई. बहुत अच्छा, मैंने भी आज ही वीडियो देखा है. सो आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से निकल के आया है गाना एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत सारा प्यार मिले लोगों से. एंड वन मोर थिंग, मोर ऑफ द सिंगर्स आर फीचरिंग इन म्यूजिक वीडियो, तो उससे क्या होता है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या ज़्यादा मिलती है, यू नो वर्क प्रोजेक्ट, व्हाट व्हाट यू रिकमेंड? जैसे जूबिन को देखिए, आप हर प्रोजेक्ट में नजर आते हैं, इवन नेहा कक्कर, यू नो करेक्ट. बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो गाना गा रहे हैं. सो मुझे लगता है कि हम आर्टिस्ट जो होते हैं, हम शायद स्क्रीन पे अगर आते हैं तो हम भी वो चीज़ अच्छे से फील कर सकते हैं. सो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है. आई एम ऑल्सो कमिंग इन लॉट ऑफ वीडियोज एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज से पहले जब बहुत सारी अच्छी अच्छी वॉइस रहती थी, इवन 90s में, उससे पहले भी, सो हम जानते थे वो आवाज़ कौन है, बट हम वो चेहरा नहीं पहचानते थे. सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया है. आई थिंक फिल्म्स जो कम हुई है उसकी वजह से म्यूज़िक वीडियोज़ एंड सिंगल्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड उसके कंज्यूमर्स बहुत बढ़ गए हैं. सो आई थिंक सिंगर्स जब फीचर कर रहे हैं एक म्यूज़िक वीडियो में, सो वो सभी के लिए अच्छा है, उनके लिए तो बहुत अच्छा ही है, बिकॉज इट क्रिएट्स दैट फेस वैल्यू विच हेल्प्स इन एवरीथिंग. एंड मैम, व्हाट इज द सिनेरियो राइट नाउ? आई मीन, व्हेनेवर यू गेट अ ऑफर फ्रॉम अ यू नो फॉर अ प्ले बैक सिंगिंग, तो बॉलीवुड मूवी इज द प्रेफरेंस और यू नो म्यूज़िक वीडियोस, अगर कैसा प्रोजेक्ट है उसके अनुसार आप कैसे डिसाइड? बोथ, बिकॉज वी एज सिंगर्स एंड आर्टिस्ट, हम लोगों के लिए इवेंचुअली इट इज़ म्यूज़िक एंड अ सॉन्ग दैट वी आर सपोज टू सिंग एंड ऑल्सो डू जस्टिस टू द सॉन्ग. जो ऑडियंस को पसंद आए, तो बी इट अ म्यूज़िक वीडियो, अ सिंगल और अ मूवी इन एनी अदर लैंग्वेज, सो इट कुड बी एनी प्रोजेक्ट. जस्ट दैट ये जो कोलैबोरेशन रहा है ये बहुत प्यारा रहा है, ये जो पूरी टीम है ये बहुत अच्छी रही है. तो जब ऐसी टीम मिलती है तो वो प्रोजेक्ट कोई भी हो, वेदर अ मूवी और अ म्यूजिक वीडियो, अच्छा ही होता है वो. एंड व्हाट इज
what after day 7? Are you working on any project right now? Oh yes, I have been doing playback in some movies. तो आने वाले कुछ टाइम में आप लोग वो वाले गाने भी सुनेंगे और जैसे कि अभी आपने बोला कि सिंगर्स फीचर भी हो रहे हैं सो आई एम ऑल्सो फीचरिंग इन अ फ्यू ऑफ द म्यूज़िक वीडियोज़ तो अगले कुछ दिनों में आप लोग वो भी देखेंगे कुछ फिल्में थी बहुत टाइम से जो रुकी हुई थी फाइनली दे आर कमिंग आउट नवंबर में कुछ फिल्म है सरोज का रिश्ता फीचरिंग शाहिद कपूर सिस्टर सना कपूर उसके गाने अक्टूबर में आ जाएंगे देर आर लॉट ऑफ सिंगल्स आई एम डूइंग टेलीविजन आई एम डूइंग फ्यू वेब सीरीज सो बहुत सारा कंटेंट है एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है अभी दे आर सिंगल्स जिनमें बहुत सारे गानों में मैं खुद फीचर कर रहा हूँ सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग इतने टाइम में जो गाने बनाए हैं वो फाइनली अब बाहर आने वाले हैं थैंक यू सो मच ये आजकल तो जो गाने चल रहे हैं वो बेसिकली सैड रोमांटिक सॉन्ग हैं तो हल्का फुल्का हमने इसमें रोमांस भी रखा है और ट्यून में भी वो बात रखी है ताकि सबको अच्छा भी लगे तो वो भी एक बड़े ब्रांड में रिलीज़ हुआ है किस चीज़ में यू नो बहुत डिफिकल्ट होता है रिलीज़ करना इतना आसान नहीं होता तो किस तरह से आपने अपना वो जो भी चुनौती था या किस तरह से फेस किया उसके बारे में बताइए देखिए आज जो ट्रेंड चल रहा है अगर आप उस ट्रेंड में गाना बनाते हैं तो डेफिनेटली वो कोई भी कंपनी हो वो डेफिनेटली लेगी और अजय जी ने इतना अच्छा पिक्चराइज किया गाना स्टार वगैरह भी बहुत अच्छे हैं सर व्हाट आर योर कोऑपरेशन फॉर द म्यूजिक वीडियो हाउ यू आर कोऑपरेटेड एंड व्हाट अबाउट द सिनेरियो राइट नाउ अबाउट द म्यूजिक वीडियो मार्केट मी आजकल का जो म्यूजिक चल रहा है बेसिकली उसके लिए बोलना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत कुछ काम जो मैंने किया है आप जल्दी देखेंगे उसको और ट्रेन के हिसाब से जो भी है उस हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ जितना कर सकूँ और कोशिश है अच्छा कुछ अच्छा करने की और बाकी अच्छे हैंड्स मिल जाएं अच्छे लोग मिल जाएं अच्छी जगह मिल जाए तो सब कुछ ईजी होता है अजय जी जैसे साथ में हमारे उनका सपोर्ट मिला और उनके थ्रू चीज़ें ईजी वे में होती जा रही हैं और जैसे मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह का कुछ प्रेजेंट कर सकें और ये भी जानना चाहूँगा कि जो यू नो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की बात करें फिल्मों की बात करें उसमें जो गाने होते हैं या लिरिक्स होते हैं और जो म्यूजिक वीडियो में क्या डिफरेंस आप पाए अभी तक इन चीज़ों दोनों में काम करके नहीं मैं आपको सच बताऊँ ऐसा डिफरेंस तो मुझे कुछ नहीं गाना गाना ही होता है चाहे वो फिल्म में आए चाहे और अभी आजकल का तो बहुत अच्छा हो गया कि अभी फिल्म और सिंगल वीडियोस में कोई फ़र्क नहीं रह गया आप चाहे फिल्म में गाना आता है तो भी वो भी प्लेटफॉर्म्स में आते हैं और अगर आपने फिल्म में म्यूज़िक किया है बेसिक चीज़ है आपका गाना अच्छा होना चाहिए आपका गाने का अच्छा लिरिक्स अच्छा है तो उसको सब पसंद करते हैं चाहे वो फिल्म में आए चाहे फिर वो सिंगल वीडियोज़ में आए पहले क्या होता था कि बहुत टाइम से गाने आते थे महीने महीने दो महीने में गाने आते थे अब ये एवरीडे चार पांच गाने आते तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है और उसमें ये अगर कोई गाना हिट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है वेरी डिफिकल्ट हाँ जी अजय जी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं हम लोग और हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं जैसे इस प्रोजेक्ट पे भी हम लोग साथ में ही हैं अभी विद इन 10 डेज हमारा अगला प्रोजेक्ट भी आने वाला है टी सीरीज के साथ और हम कुछ वेब सीरीज कुछ फिल्म्स और एल्बम तो हम लोग कंटिन्यूशन में कर रहे हैं और इसके बाद अभी जैसे इसके तुरंत के बाद अभी जैसे खुशबू बैठी हुई थी यहाँ पर अंजलि थी उनके साथ भी हम अपना पागल हो गए करके एल्बम हमारा बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है और बहुत सारे एल्बम्स हैं कुछ अजय जी ने इतना अच्छा लाइनअप किया हुआ है इनके कुछ कुछ समय में आपको हर महीने कुछ ना कुछ हमारा आपको सुनने को मिलता रहेगा थैंक यू तो क्या कहना चाहेंगे कि बीइंग पार्ट ऑफ दिस यू नो 7 हॉर्स स्टूडियो जो सेटअप है जो फैसिलिटीज अपने को उसके बारे में बताइए कि क्या फैसिलिटीज ऑफर कर रहे हैं 7 हॉर्स स्टूडियो तो मैंने अभी स्टार्ट किया मैंने और 7 हॉर्स स्टूडियो में हम लोग काफ़ी कुछ लेके आ रहे हैं और फिलहाल अभी यही गाना था जो तेरे बिना उसके बाद फिर एक 10 से 15 दिन के बाद और एक गाना लॉन्च होने जा रहा है हम लोग जान उसके कंपोज़र बैठे थे अभी थोड़ी देर पहले हमारे शैलेंद्र जी और उसके बाद और एक गाना शूट होने वाला है इसे ट्रैवलिंग सॉन्ग जो हम लोग मनाली जी के साथ में कर रहे हैं वही फीचरिंग होगी इसके गाने में और शूट करने जा रहे हैं हम लोग लेह लद्दाख खुशबू के साथ में एक गाना कर रहे हैं उसके बाद फिर और भी सब लाइनअप है अंजलि साहब में भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सेलिब्रिटीज के साथ में और भी गाने हैं मेरे आ रहे हैं मेरे बस चल रहा है जर्नी तो
तो आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इतने साल से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि फिल्में बनाना तो आसान होता है, रिलीज करना मुश्किल होता है, म्यूजिक वीडियो का म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूसर की लग जाती है। अभी बताऊं आपको, मैं जब भी मैं ये शूट कर रहा था गाना, ये तो एक गाना शूट कर लें, हम लोग जब भी जाते हैं आउटडोर जाते हैं तो दो गाना शूट करते हैं, तो जब भी हमने एक गाना शूट कर लिया, हमने जब दूसरा गाना का सेटअप लगाया हमने वहाँ पे, पूरा आर्ट डायरेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, और शाम को हो गया बारिश, मतलब मेरा पूरा नुकसान हो गया, जो मैंने आर्ट डायरेक्शन लगाया था, मैंने हर चीज़ में सब भीग गया उसमें, और मैं आ गया टेंशन में, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। अब एक प्रोड्यूसर को पूछो बारिश होने के बाद क्या दिक्कत आती है, सब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया, नुकसान हो गया अलग से। फिर मुझे जो गाना शूट करना था, मुझे ये जो गाना है तेरे बिना शूट करना था, मुझे दो दिन में, मुझे और भी लोकेशन यूज़ करने थे मुझे, लेकिन मुझे शूट करना पड़ा सिर्फ एक दिन में, क्योंकि मेरा बजट एकदम लिमिटेड था मेरे साथ में, क्योंकि प्रोड्यूसर जानता है कि वो एक कम बजट में कैसा खेलना चाहिए उसे, कैसा उसको एक छोटे बजट में, छोटे बजट में उसको किस तरीके से उसको बड़ा दिखाना है। तो फिर एक दिन में मैंने कम से कम इसको मैंने 10 घंटे में शूट किया, और सभी ने मतलब इतना काफ़ी मेहनत किया, अंजलि ने काफ़ी सपोर्ट किया, खुशबू ने, मतलब इनको टाइम पे खाने को मिला नहीं इन लोगों को और बहुत गाली दे रही थी मुझे ऐसा कुछ नहीं, हाँ? नहीं। और खुशबू भी, मतलब मैं एक्चुअली जहाँ रहना था इनके साथ में, एक था कि हरियाणा के जो गलियाँ थी, रात को 1:30 बजे इतना अंधेरा, वहाँ पे कोई इंसान तो कुत्ता भी ना भटके, ऐसी जगह में इनको रात को 1:30 बजे मैंने टेम्पो से छोड़ा इनके होटल में हाँ टेम्पो छोड़ा, बोला भाभी जा मेरे माँ, अभी तू जा यहाँ से बाबा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो इसके बाद फिर जर्नी चला। तो अजय जी ये भी जानना चाहेंगे, तेरे बिना जो गाना है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और खास करके दो लड़कियों को लेने का वजह क्या है? इस गाने में ऐसा था, सिचुएशन वाइज मुझे शूट करना था, इस गाने में स्टोरी लाइन दिखाना था, आजकल तो सबको स्टोरी लाइन ही ज्यादा पसंद आती है इसमें, तो स्टोरी लाइन के साथ में मैं चला उसमें, जो स्टोरी लाइन में था कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है उसके ऑफिस में, ठीक है, एक लड़की जो है उसको बचपन से चाहती है, लेकिन कभी लड़का कभी उसको अपने आप एकदम क्लोज फ्रेंड मानता है, एकदम दोस्त मानता है, फैमिली मानता है, लड़की उससे प्यार करती है लेकिन लड़का किसी और से प्यार करता है। इस गाने का यही तात्पर्य है कि शूट हुआ गया है इसके अंदर, और इसमें मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मुझे इसमें सपोर्ट मिला मुझे किशन कुमार जी का, जो टी सीरीज़ के, अब सब जानते हैं आप लोग टी सीरीज़ के ओनर भी हैं किशन कुमार जी, उन्होंने बोला जी टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ में, तू जा। तो फिर मैं गया टी सीरीज में, गया मेरे काम बन गया मेरा जो भी है। ओके अंजलि जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि पूरे गाने में तो आप हैं, लेकिन लास्ट में टर्न एंड ट्विस्ट आता है और आप आउट हो जाते हैं फ्रेम से, और तब कैसा लगता है जब ब्रेकअप हो जाता है, और उस समय कैसा सिचुएशन रहा और फेस किया आपने? ऑब्वियसली बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो, तो इसमें जैसे कि स्टोरी उन्होंने बताई, बचपन से वो उसे चाहती है और एंड में उसे मालूम पड़ता है कि वो किसी और को चाहता है, तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। तो वो बस चले जाती है, वो उसको कुछ नहीं बोलती है, वो बस मुंह फेर के चले जाती है, छोड़ देती है उसको उसकी लाइफ में, माफ कर देती है, और एक बात है पर्स भी वापस दे देती है उसे, जैसे ही पता चलता है वो कहती है कि ठीक है आप खुश रहो मैं जाती हूँ, पर्स पैसे भी दे देती है इसको। दूसरी बात ऐसी है कि मतलब हमने इसमें इतनी अच्छी अदाकारा है ये, कि हमने उस गाने में जो हम लोग ग्लिसरिन तक यूज़ नहीं किया इन्होंने जो शॉट दिया इन्होंने, नेचुरल रोना, मुझे आंसू एक करना, तो इन्होंने लेकिन मेरा शॉट एक अच्छा, दिन में मतलब एक दिन भी नहीं मैं बोलूंगी, एक दोपहर में इन लोगों ने पूरा, मेरे को इतना सा टाइम मिला था कि एक दोपहर में पूरा शूट हो गया था मेरा, तो जितने भी सीन्स आप देख रहे हो वो बस 2-3 घंटे का शूट है जो हमने बहुत ही जल्दी जल्दी किया था, तो मुझे ऐसे ज्यादा वक्त नहीं मिला था शूट करने का। ओके खुशबू जिस कोई लड़का अगर आपको चाहता है वही अगर मिल जाए, जैसे अभी गाने में हम देख रहे थे कि उसके कंधे पर आप सर रख के वो कर रहे, तो जो चाहता है वही मिल जाए, वो वही हुआ आपके साथ, तो क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? तो ऑब्वियसली आप जिससे प्यार करते हो आपको मिल जाता है, तो उसकी अलग खुशी होती है, वो खुशी आपको दिख रही है गाने में, आई एम ग्लोइंग, आई एम ब्लशिंग, सो हाँ आई एम हैप्पी। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या बैक स्टोरी है, कि एक लड़की भी उससे प्यार करती है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट गर्ल, बट ऑन दी अदर हैंड आई एम हैप्पी कि मेरा प्यार भले ही दूर जाने के बाद भी वो मुझे याद करके खुश है, एंड ही इज़ यू नो कमिंग बैक टू मी।
अच्छा जी, एक लड़की से भी काम चला सकते थे आप, लेकिन दो दो लड़कियां लिया, क्या इसके पीछे क्या है? दोनों अपने बच्चे हैं यार। धर्म संकट, यू नो, धर्म संकट हो गया था। अभी भी सॉरी स्टार ऑब्सेस्ड है। अभी देखिए इतने म्यूजिक वीडियोस आते हैं, लेकिन अक्षय का जो फिलहाल सॉन्ग है वही सबसे ज्यादा चला अभी तक। तो वो क्या करना चाहिए, वो मेंटेलिटी कब दूर होगी लोगों की? अक्षय चाहिए, अमिताभ चाहिए, ये चाहिए, मतलब बड़े स्टार चाहिए। सर क्या है, जब तक हम लोग नए को प्रमोट नहीं करते ना सर, वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? कभी ना कभी उनको ही मौका दिया गया था किसी ने, ठीक है, उनको भी किसी ने हाथ रखा था उनके ऊपर, तब तो आगे बढ़े वो। अगर हम लोग अगर न्यू जनरेशन को और न्यू टैलेंट को आगे नहीं हाथ डालेंगे तो कौन करेगा उनको? कोई भी बोलता है आपके इंस्टाग्राम में कितने आपके फॉलोअर है, हाँ आपके इंस्टाग्राम में 1 मिलियन फॉलोअर है, उसको भले ही एक्टिंग आती हो या ना हो, ठीक है ना, एक्टिंग आती हो ना हो, 1 मिलियन फॉलोअर है, हाँ चलो इसको अंदर ले लो, इसको हम करते हैं। वो जिसको एक्टिंग आती है, इतनी अच्छी एक्टिंग आती है, उसको हार्डली होगा 4,000-5,000 भी हो ना, उसको बोलेंगे नहीं यार ये तो यार अजीब है यार, इसका फॉलोअर इतनी नहीं है। आजकल सारा गेम होता है फॉलोअर के ऊपर, इंस्टाग्राम ये, और फेक फॉलोइंग भी होते हैं आजकल, तो पता है आपको ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में, काफ़ी इंस्टाग्राम में पेड हो जाते हैं ये, इसमें आजकल सब सारा गेम सोशल मीडिया का ही हो गया है, आर्टिस्ट को नाम की चीज ही नहीं है। चलते-चलते हम आते हैं कि पगला गए हो क्या? क्या है वो पगला? अरे हम पागल हो गए हैं। पागल हो गए क्या है वो? हम पागल हो गए हैं। जो गाना टाइटल शीर्षक है उसका, इट्स ए अमेजिंग सॉन्ग, जिसको शूट कर रहे हैं हम लोग उसको ले लद्दाख में, उसमें देखेंगे अभी आएंगे फिर से हम मिलेंगे 10-15 दिन बाद फिर से मिलेंगे दूसरे गाने के लिए, यही मिलेंगे, चाहेंगे कि आप मिलते रहिए, हर 15 दिन में मिलते रहेंगे यहाँ पे।